हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज फिर से कुछ और शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेंज ऑफ द फंक्शन और यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिक बात करते हैं, ट्रिक नंबर वन। ट्रिक फर्स्ट ट्रिक, मान लो हमें एग्जाम में दे दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज पता करना, लाइक 2x² + 3x + 4। मतलब फाइंड द रेंज, किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज पता करना है, एक लाइन में हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है कोफिशियंट उसका, इसको मैं बोल रहा हूँ ए, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक का होता है वो होता है ax² + bx + c। तो ए हो गया ए। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 नंबर है, तो उसका जो रेंज लिखेंगे हम, देन रेंज इज -d/4a to ∞ और यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट। और वहीं पे अगर मान लो हमारे उस क्वेश्चन में a का वैल्यू नेगेटिव है, लाइक यहाँ -3x² कुछ इस तरीके का होता, तो रेंज आप डायरेक्टली लिखिए इसका -∞ to -d/4a। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें अगर इसका इसका रेंज अगर यहां से यहां तक है, -d/4a to ∞ तक है, तो इस क्वाड्रेटिक का ये मिनिमम वैल्यू होगा। तो अगर हमसे मिनिमम भी पूछता है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर ए कर देंगे। अगर और मैक्सिमम यहाँ पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ए लेस देन 0 है और उसका हमें मैक्सिमम पूछता है, तो हम लोग आंसर -d/4a कर देंगे। डी क्या होता है, b² - 4ac। अब यहां पर हमने क्वाड्रेटिक लिया है, इसका रेंज पता करने का ट्राई करते हैं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, a का वैल्यू ax² + bx + c, इसे कंपेयर करो तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, b का वैल्यू आ जाएगा 3 और c का वैल्यू आ जाएगा 4। d कैलकुलेट कर लेते हैं। d फॉर द दिस क्वाड्रेटिक b² मतलब 3² - 4ac, ये कितना आ रहा है, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 32, ये कितना हो जाएगा, 9 - 32 माइनस का 23। ठीक है, माइनस का 23 आ गया। तो इसका रेंज डायरेक्टली लिखिए आप, -d के जगह -23/4a, a के जगह 2 to ∞, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, ए हो गया मेरा रेंज, हो गया इसका 23/8 to ∞। क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें मान लो ए का वैल्यू नेगेटिव है, तब हम लोग रेंज कैसे पता करें। क्वेश्चन को ले लेते हैं, -x² + x + 1, इसका रेंज पता करना है। फिर से इसे कंपेयर किया, ax² ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। ठीक है, डी पता कर लेते हैं, b² 1 का स्क्वायर - 4ac आ गया 1 + 4, डी का वैल्यू आ गया 5। रेंज यहां पे देखिए, एक ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये फॉर्मूला लगेगा, इसका रेंज -∞ to -d का वैल्यू 5 और 4 × -1 ना, तो -∞ to 5/4 इसका रेंज हो गया। ओके, होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगा, आ गया होगा। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है, तो उसका रेंज आप इजिली पता कर सकते हैं। अगले डिस्कशन को आगे आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक नंबर टू देखते हैं। अगर हमें एक दे दिया y = ऊपर एक लीनियर फंक्शन दे दिया, नीचे भी एक लीनियर मतलब x^1 वाला फंक्शन दे दिया, तो इसका रेंज कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, रेंज ऑफ x-2/x+3, इस फंक्शन का रेंज निकालने दे दिया। इसका सीधा आपको आंसर बताता हूं, रेंज इज ऑल रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमेरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे इस फंक्शन का रेंज निकालने बोलेगा, तो रेंज आप सीधा लिखिएगा रेंज आर माइनस, यहाँ कॉफिशियंट ऑफ एक्स न्यूमरेटर में क्या है वन, डिनोमिनेटर में भी वन, वन बाय वन, मतलब क्या हो गया ये रियल नंबर माइनस वन, इसका ही रेंज हो गया। मान लो हमारे हमें क्वेश्चन दे दिया फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, मतलब फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कुछ नहीं रियल नंबर माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर टू बाई कुछ नहीं है तो वन आंसर। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन थ्री एक्स माइनस फाइव सिक्स माइनस टू एक्स, सीधा आंसर रेंज कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर, ये आपका आंसर हो गया। जैसे मैंने दे दिया फाइंड द रेंज ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू, क्या करना है रेंज इज आर माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, न्यूमरेटर में एक्स है ही नहीं तो उसको लिख देते हैं जीरो इंटू एक्स प्लस वन, तो जीरो डिवाइडेड बाई यहां पर वन, तो जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो, सो रेंज इज आर माइनस जीरो, इसमें जीरो नहीं आ सकता। होप आप सेकेंड ट्रिक को एंजॉय किए हैं और आपने सीख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक नंबर थ्री देखते हैं। इसमें क्या है, सपोज हमें इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालने दिया जहां पर न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है और साथ में दोनों में एक कॉमन फैक्टर है ना, मतलब आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे दोनों में एक कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। होप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, फाइन। हाँ इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, यस ये हो गया इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स माइनस टू कॉमन फैक्टर, इसको हटा दिया। लेकिन ध्यान रहे कि x माइनस टू को हमने कैंसिल आउट किया है, इसका मतलब x का वैल्यू डेफिनेटली क्या नहीं होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू टू होगा तो इसका मतलब हमने x माइनस टू को कैंसिल किया था, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, जीरो बाई जीरो को कैंसिल आउट करके हमने वन लिख दिया। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, मतलब ये फंक्शन x का वैल्यू टू अलाउ नहीं करता है। ओके तो अब मेरे पास फंक्शन आ गया x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन, ये तो पहले जैसा बन गया है ना। तो कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक में रहे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और उसमें एक फैक्टर कैंसिल आउट हो लीनियर बनता है, तो मेरा आंसर होता है रेंज इज आर माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वन। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और, यहाँ पर एक्स का वैल्यू टू लेने से मना किया है ना, तो एक्स का वैल्यू टू लेने से रेंज वाई क्या आता है वो भी हम देख लेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू टू y का वैल्यू देखो, x की जगह 2 रखोगे 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 बाई 3। तो y का वैल्यू 1 बाई 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि x 2 अलाउड ही नहीं है, तो x 2 रखने से y का वैल्यू 1 बाई 3 आ रहा है, y मतलब रेंज, इसमें एक और हटा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। चलिए तो ट्रिक नंबर 3 पे बेस्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक, आप इसको फैक्टराइज कर दो, इसका फैक्टराइजेशन करोगे ये आएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको फैक्टराइज करोगे ये कुछ नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर x माइनस टू दोनों में कॉमन फैक्टर है, कैंसिल आउट कर दिया, ध्यान रखा कि x का वैल्यू टू नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन मेरा रिड्यूस हो गया है x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस टू, सो रेंज विल बी इक्वल टू रियल नंबर माइनस वन, लेकिन x का वैल्यू टू अलाउड नहीं है, तो इसमें x का वैल्यू टू रख के देख लो y क्या आ रहा है, तो x के जगह टू रख देते, टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ओ ब्लंडर टू माइनस टू मतलब माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो, मतलब ये किसको मना कर रहा है, इन्फिनिटी को मना कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो इसमें और कोई नंबर नहीं हटेगा, इसमें आंसर हो जाएगा r माइनस सिर्फ 1 को आप हटा दीजिए। ओके ओके।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर फोर। इसमें क्या है, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन गिवन है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है और फिर कॉस एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है, उसका रेंज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके स्क्वायर रूट ऑफ उसका पॉजिटिव वैल्यू। वहां तो कहते हैं क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, मतलब इसका रेंज बताओ, सीधा एक लाइन में आंसर लिखेंगे। माइनस एक ए के जगह 3 है, बी के जगह ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, ए के जगह 3 है, बी के जगह 4 है, आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखो और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 16 प्लस 9, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 25 क्या होता है 5, ये हो जाएगा माइनस 5 टू 5 खत्म, ए इसका रेंज हो गया। सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, यहाँ पर कोई नंबर ऐड कर दिया लाइक माइनस 9, मतलब इसका रेंज निकालो, कोई बात नहीं इसको रहने देते हैं अभी। इसका रेंज के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, फिर से आ गया 5। तो इसका मतलब सिर्फ अगर इतना पार्ट होता तो रेंज होता माइनस 5 टू 5, है ना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेकिन इसमें क्या माइनस 9, तो दोनों जगह माइनस 9 कर दो, ये हो जाएगा माइनस 14 टू माइनस 4, ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस करेगा तो अकॉर्डिंगली, मान लो अगर यहाँ प्लस रहता तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते और हमारा आंसर आ जाता। सपोज इसमें और वेरिएशन देखते हैं, सपोज हमें दे दिया 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स, मतलब इसका रेंज निकालो। अब तो यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है, साइन 2x है, तो कोई बात नहीं, आपके पास दो फॉर्मूला आपको पता होगा डिग्री डाउन करने के लिए, एक होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री में तो ट्रिक चलता नहीं है, सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 3 इंटू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन 2x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो हो गया 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 कॉस 2x प्लस साइन 2x, अब आ गया उस फॉर्म में, ए कॉस एक्स प्लस कुछ नहीं है तो बी साइन एक्स। इसका रेंज कैसे लिखोगे, इसका रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि रेंज डायरेक्टली लिख दें, तो ये कितना आ रहा है 9 बाई 4 प्लस 1 आ रहा है 9 बाई 4 प्लस 1 आ जाएगा रूट 13 बाई 2, रूट 13 बाई 2 आ गया, फाइन। अब रेंज लिखना है तो क्या करना है आपको, सिंपली इसका इसका रेंज हमने निकाल लिया, उसमें 3 बाई 2 आपको ऐड कर देना है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 प्लस रूट 13 बाई 2 टू 3 बाई 2 प्लस रूट 13 बाई 2, ये इसका रेंज हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लिख दो 3 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड 3 प्लस रूट 13 बाई 2। इस तरह का कोई भी फंक्शन आता है तो आप इस तरह का ट्रिक लगा सकते हैं, पावर ज्यादा अगर स्क्वायर आ जाता है इन फॉर्मूलों को लगा के उसका पावर डाउन कर दीजिए। होप आपने इस ट्रिक को एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। अब ट्रिक नंबर 5 देखते हैं, अगर कभी भी हमारे पास एक फंक्शन है और साथ में उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है और हमें बोल दिया कि फाइंड इट्स रेंज, ठीक है, तो देखो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जब भी रहे ना
तो आपको क्या करना है, एक होता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एक थ्योरम है इसको यूज करना चाहिए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जस्ट एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दो नंबर है डिवाइडेड बाई टू इंटू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, जो दो नंबर है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जितने नंबर है वन बाई उतना ही करते थे। यहाँ पर दो नंबर है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर पावर वन बाई टू कर दिया, तो ये होता है ए एम ग्रेटर देन जी एम, एफ ओफ एक्स वन बाई एफ ओफ एक्स से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया वन, वन का पावर हाफ वन ओनली, और इस टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया एफ ओफ एक्स प्लस वन बाई एफ ओफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा टू या टू से ग्रेटर आएगा, ठीक है, तो इसका रेंज हो जाएगा टू टू इन्फिनिटी, होप अगर ये फंक्शन इन्फिनिटी तक जाता होगा तो, लेकिन इतना श्योर है कि ये टू से ज्यादा होगा इसका वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, जैसे मैं बोल दिया फाइंड द रेंज ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसका वो पॉजिटिव होना मस्ट है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है थ्रू आउट तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। जैसे हमारे पास है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, फाइंड इट्स रेंज, कोई नहीं, टेन ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, आप लगा दो ए एम ग्रेटर देन जी एम, तो ए एम क्या मतलब इन दोनों नंबर का टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स का पावर वन बाई टू, एक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई किया आंसर ये वन हो गया, ये तो क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टू, मतलब इस फंक्शन का रेंज टू टू इन्फिनिटी आएगा। मान लो अगर इसी फंक्शन में, मान लो इसी फंक्शन में अगर ये कुछ ऐड कर दिए रहते, मान लो यहाँ पर सिक्स ऐड कर दिया होता तो क्या होता, रेंज तो निकाल चुके हैं अब, तो अगर इसका रेंज टू है इसका रेंज हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन प्लस सिक्स है तो इधर भी सिक्स कर दो टू प्लस सिक्स, इसका वैल्यू 8 से ग्रेटर या इक्वल टू होगा। फाइन, एक और क्वेश्चन ले लेते, जैसे हमें दे दिया 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 cosec स्क्वायर एक्स, बोला इसका रेंज पता करो, ये दोनों सॉरी cosec नहीं cos ठीक है, तो इसका रेंज पता करने के लिए क्या करना है, फिर ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाइए, थ्री सेक स्क्वायर एक्स प्लस, चूंकि एक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका जी एम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर वन बाई टू, सेक और कॉस मल्टीप्लाई होकर वन हो गया होगा, थ्री इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्क्वायर रूट, और ए टू इधर से चला गया, अब 12 को ओपन करेंगे तो 3 इंटू फोर आएगा तो उससे 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू टू फोर और स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये फंक्शन जो आ गया 2 को मैं इधर से इधर ले गया, इसका जो रेंज आ गया 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स का रेंज आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रूट 3, मतलब 4 रूट 3 टू इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। कर लो इसी नंबर में कुछ ऐड कर देता प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस माइनस नाइन, अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ट्रिक के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए हमें दे दिया फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स है, कॉसिक स्क्वायर एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, ये तो कॉसिक लिखा हुआ है, या कॉसिक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो या तो ये इसके लिए साइन जनरेट कर दे या कॉसेक इसके लिए कॉट जनरेट कर ले कर दे, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको क्लास टेंथ में है ना, तो यहां पर इसी आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं तो ये फंक्शन हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, अब क्या हो गए टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस फोर, अब इसका रेंज निकाल लो है ना, इस पर लगा दो एम जी एम उसमें प्लस फोर कर दो, आप भी क्वेश्चन कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, चलिए ट्रिक सिक्स से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हमें कुछ बेसिक फंक्शंस हैं उनका रेंज
लर्न कर लेना चाहिए। एक्चुअली ये सभी को लर्न ही होता है, फिर भी एक बार मैंने एक बार लिस्ट कर दिया है। साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, टैन एक्स कॉट एक्स और लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज -∞ to +∞ होता है, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स फंक्शन का रेंज -∞ to -1 और फिर 1 to ∞ होता है। उसी तरीके से ई टू दी पावर एक्स का रेंज 0 to ∞ होता है, मॉडुलस फंक्शन का रेंज 0 to ∞ होता है, 0 यहाँ इंक्लूडेड होता है या एक्सक्लूडेड होता है ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2, साइन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज एक जैसा होता है, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, लेकिन फर्क होता है कि यहाँ दोनों क्लोज होता है, यहाँ पे ओपन होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे -π/2 to π/2, बस इसमें 0 एक्सक्लूडेड होता है, ये ध्यान रखकर। उसी तरीके से कॉस सेक एंड कॉट का रेंज एक जैसा होता है, 0 to π, 0 to π क्लोज्ड, कॉस का सेक का कॉट का 0 to π ओपन, और ये 0 to π क्लोज होता है लेकिन इसमें से π/2 बस एक्सक्लूडेड। बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लाइक अगर मुझे बोल दिया कि पता करो रेंज 5 mod x + 3, इसका अब क्या करना अपने को, जिसका रेंज याद है ना उस पे जाओ। इसका रेंज क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का रेंज होता है 0 से ∞। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो हर जगह 5 5 into 0 0, यहाँ 5 और 5 into ∞ ∞, दोनों तरफ +3 कर दो, 0 + 3 इसका रेंज आ गया आपका 3 to ∞ खत्म। मान लो अब यहां x के जगह ये x-3 लिख देते, +9 लिख देते, x-7 लिख देते, +8 लिख देते, यहां पर 7-x + 9 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टेक्निक हम लोग यूज करते। मान लो नेक्स्ट है हमारे पास 4 -3 sin inverse x, प्लस का रेंज पता करो। इसका रेंज हमने लर्न कर लिया, ये होता है -π/2 से π/2। अब क्या है इसमें, -3 का मल्टीप्लाई है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3π/2, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 sin inverse x, और इसको अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3π/2। लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी अपना डायरेक्शन बदल देता है, इनइक्वालिटी को मैंने चेंज कर दिया। अब क्या करना है, +4 लाना है, तो दोनों तरफ +4 कर देते हैं, इसका रेंज क्या हो गया 4 -3π/2 से लेके 3π/2 + 4 तक हो गया। ओके इस तरह का कोई भी फंक्शन हो ना तो आप इसी तरीके से काम करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमें बोलते हैं e^(sin x + 4) का रेंज पता करो। पहले साइन एक्स का रेंज देखो कहां तक है, -1 से बड़ा होता है साइन एक्स, <1 होता है। अब e^(sin x) की बात करें, अब नंबर -1 to 1 जा रहा है तो e^(sin x) कहां से कहां तक जाएगा, e^(-1), e^(sin x), e^(1), सब पे पावर e रेज कर दिया। अब +4 करना है तो हो गया 1/e + 4 e^(sin x) +4 e+4, क्योंकि इसका रेंज 1/e + 4 to e+4। होप आपने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा, नेक्स्ट वीडियो में और भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मिलते हैं।